सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि लड़ा जाए, आप थोड़े से कामयाब हो जाओ वे खैरात में मिलेंगी। उच्च विचार वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए और 2,00,00,000 काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। आज का पंचांग 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 3:28 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सद्भिषा नामक नक्षत्र सुबह 9:36 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:51 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:48 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 2:23 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार, एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपके ध्यान की आवश्यकता है। अपने किसी खास या करीबी साथी की सलाह लें। वचन बंद होने से पहले अपने विकल्पों को अच्छी तरह से जांच लें। आज खुद के लिए कुछ समय निकालें। कई समय से आप अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहे हैं जिसकी वजह से आज डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। अगर आज आपको कोई परेशानी होगी तो आपके दोस्त और प्रियजन उससे उभरने में आपका साथ देंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मन निवास करता है। आज आपकी किस्मत चमकने का दिन है। सितारे कहते हैं कि आज आपको कोई विशेष काम करना पड़ सकता है। आज अपने किसी नजदीकी व्यक्ति को खुश कर दें, आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। फिर भी आज किसी को उधार ना दें, वापस नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आज नहीं होगी। समय की गति आपके पक्ष में है। घर के रखरखाव संबंधित वस्तुओं की खरीदारी होगी। आपका सहयोगात्मक व्यवहार परिवार तथा समाज में मान सम्मान बनाकर रखेगा। बच्चों को पढ़ाई के प्रति की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे। शारीरिक तकलीफ के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। हर एक बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना और क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां लेना आपके लिए सही नहीं है। परिवार के लोगों के विचारों के साथ अपने विचारों पर ध्यान देने की कोशिश करें। काम में मन न लगने से काम अधूरा रह सकता है। पार्टनर के द्वारा बोली गई बातों पर अधिक विचार ना करें। शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरक जाएगा लेकिन आपके अच्छे सितारे तंगी नहीं आने देंगे। अटके घरेलू कामों को अपने जीवन साथी के साथ मिलकर पूरा करने की व्यवस्था करें। रोमांस के लिए बढ़ाए गए कदम असर नहीं दिखाएंगे। व्यवसायियों के लिए अच्छा दिन है क्योंकि उन्हें अचानक बड़ा फायदा हो सकता है। दिन के अंत में आज आप अपने घर के लोगों को वक्त देना चाहेंगे लेकिन इस दौरान घर के किसी करीबी के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है और आपका मूड खराब हो सकता है। जन्मदिन भूलने जैसी किसी छोटी सी बात को लेकर जीवन साथी से टकरार मुमकिन है लेकिन अनंतर सब ठीक हो जाएगा। यह हंसी की चमक से उजला दिन है जब ज्यादातर चीजें आपके मन के मुताबिक होगी। दोस्तों की मदद से वित्तीय कठिनाइयां हल हो जाएगी। घर के माहौल की वजह से आप उदास हो सकते हैं। आपका प्रिय को आपसे भरोसे और वादे की जरूरत है। कार्यालय में कोई आपको कुछ बढ़िया चीज या खबर दे सकता है। लंबे वक्त से अटकी हुई दिक्कतों को जल्द ही हल करने की जरूरत है और आप जानते हैं कि आपको कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होगी।
इसलिए सकारात्मक सोचें और आज से ही प्रयास शुरू करें। जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आपको अपने जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। सावधानियां, दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें, अपने व्यवहार को सहज बनाकर रखें। प्रॉपर्टी अथवा वाहन से संबंधित लोन लेने से पहले पुनः विचार विमर्श करना जरूरी है। आपकी लापरवाही और आलस की वजह से बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। दंपत्य जीवन मधुर रहेगा। विवाह योग्य सदस्यों के लिए अच्छा रिश्ता आने की भी संभावना है। व्यापार में लाभ आपकी खुशनुमा जीवन को और भी रंगीन कर देगा। आप अपने रोमांटिक संबंधों में बदलाव महसूस करेंगे। ऐसे में अपने जीवन साथी की बात को ध्यान से सुने और उन्हें समझने की कोशिश करें। विवाह या कोई नया रिश्ता भी आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। सितारों के अनुसार आज आपका अन्य लोगों से मेलजोल हो सकता है। कुछ वक्त निकालकर स्वयं पर ही ध्यान दें। आपके प्रियजन आपकी मुसीबतों में साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आपके रिश्ते में कुछ खट्टास है तो एक मुस्कान सॉरी या प्रशंसा के दो बोल आप दोनों को फिर से एक कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। व्यापन और खरीद बिक्री के लिए यह समय बिल्कुल उचित है। अपने काम को लेकर अभी आप पूरी तरह से सकारात्मक हैं। आपके पार्टनर्स और करीबी साथी आपका पूरा साथ देंगे। धन के लिए यह समय बेहतरीन नहीं है, नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। यह दिन आपके लिए सुनहरे रोशनी की तरह है। इसकी शुरुआत एक गुप्त संबंध या मीटिंग से हो सकती है। यदि आप परेशानी में हैं तो इस बुरी स्थिति से बाहर निकलने में अपने परिवार या मित्रों की मदद लें। किसी भी व्यक्ति के प्यार करने की तुलना में समस्या को हल करने को अधिक महत्व ना दें। रुके हुए व्यावसायिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने का उचित समय है। इस समय नए प्रभावशाली संपर्क भी बनेंगे जो आपके लिए सहायक साबित होंगे। ऑफिस का माहौल सकारात्मक रहेगा। आज दिन आपके लिए व्यस्त रहने की भी संभावना है क्योंकि आपकी उपस्थिति अलग अलग दिशाओं में वांछनीय होगी। बात करते हैं सेहत की। आपके नए नश्क आकर्षक है और आपको बस खुद को थोड़ा सा संवारने की जरूरत है। शरीर की मसाज करवाएं जिससे त्वचा में चमक आएगी। हेयर कट करवा सकती हैं या नाखूनों के साथ कोई नया प्रयोग कर सकती हैं। यहाँ तक कि फूलों की पंखुड़ियों से भरे हुए टब में कुछ देर लेटने से भी आराम मिलेगा। खुद के लिए स्वास्थ्य कर मजे लेने में ना हिचकिचाएं। आपको इसकी जरूरत भी है और आपको इसका पूरा हक है। अनियमित दिनचर्या की वजह से गैस की समस्या भी बढ़ सकती है। हल्का व सुपाच्य खान पान लें तथा योग अवश्य करें। आज का उपाय। आज अब शनि भगवान जी को नारियल चढ़ाए शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।